ना भूल पाए फिल्म का मुहूर्त हुआ, तो आज जी के आप संगीतकार हैं, तो गीत संगीत किस तरह से बनने वाला है? जी आज बड़ा ही खुशी का दिन है, जो आज फिल्म का नाम है तुमको ना भूल पाएंगे, इसका शुभ मुहूर्त हुआ मुंबई में। इसका गीत जो है, इसके गीत लिखे हैं राजेश मिश्रा जी, जो हमारे भैया हैं, और प्यारे लाल जी, और सौभाग्य से संयोग से मेरा ही संगीत है इसमें। काफ़ी अच्छे कलाकारों को इसमें लिया जा रहा है, भोजपुरी के सुपरस्टार को, अभी हम नाम नहीं बताएंगे, सुपरस्टार का मतलब आप समझ ही गए होंगे। और विलन में हमारे बड़े भैया अवधेश मिश्रा जी आए हुए हैं, वो तो हैं ही, और इसके डायरेक्टर हैं हमारे बड़े अजीज मित्र सुनील माझी जी, जो इनके पहले एक हिंदी फिल्म बनाई थी उन्होंने हनक, उसका भी संयोग से संगीत हमारा ही था, और उसके निर्माता हैं अनिल सिंह जी। तो इसके साथ आप सभी मीडिया वालों को मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामना। 2016 सबके लिए, खासकर कलाकारों के लिए बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि 2016 में नौ अंक आता है, और नौ अंक अपने आप में बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो हमारे मित्र जो इसके निर्देशक हैं, हमारे पास में आ रहे हैं सुनील माझी जी, बड़े ही अच्छे इंसान, बड़े दिलेर और बड़े हिम्मत वाले हैं। इनकी पहली जो फिल्म थी हनक, ये दूसरी फिल्म तुमको न भूल पाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी बने, और इनका काफ़ी अनुभव भी है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस लाइन में, तो हम चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा गीत इसमें लिखा जाए और काफ़ी अच्छा संगीत बने जी। और फिल्म के स्टार जो हैं उन्हें लोगों से भी गवाया भी जाएगा जो इसमें एक्टर होंगे, खासकर भोजपुरी फिल्म के हीरो तो सब गायक ही हैं, आप लोगों को पता है। और इस फिल्म को एक पार्ट, खासकर प्रेम बाबू जो हैं ये बगल में है, इनका भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल है। तो बड़ी उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी बने, और सबका सहयोग हो, सबका योगदान हो। सभी इसमें जो एक्टर में एक हमारे साहिल खान जी हैं, मुख्य कलाकार हैं, और उनके साथ एक मुख्य स्टार, फिल्मी जो सुपरस्टार है, उनको रखा जा रहा है, अभी नाम थोड़ा सा है उस कारण। तो साहिल जी हमारे पास है, मैं इनको बुलाना चाहूँगा, जो कल ही आए पटना से, और इनका फ्लाइट था सुबह में, और आते ही घर पे आए हमारे, और बस म्यूजिक का काम स्टार्ट हो गया और आज मुहूर्त हो गया। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी उम्मीद है इस फिल्म के साथ तुमको ना भूल पाएंगे, वाकई ऐसा कुछ काम हो जिसमें तुमको ना भूल पाया जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी अच्छा काम इसमें हो। सर, भोजपुरी फिल्मों के टाइटल हिंदी से क्यों नहीं है? जी अभी हमारे एक संवाददाता पीआरओ मीडिया से एक प्रश्न है कि ये भोजपुरी फिल्म हिंदी नाम से क्यों अक्सर हो रहा है। तो देखिए, भोजपुरी एक खास भाषा नहीं है, एक बोली है, और हम सब जो है हिंदी पे ही आश्रित हैं, सभी हिंदुस्तानी होने के नाते इसमें भोजपुरी भी लिखी जाती है हिंदी में ही, जितनी पत्रिकाएं आती है, तो ये बुरी बात नहीं है। और जैसे दिल और दीवार, तो और को हम और कर सकते हैं, लेकिन खास जरूरी नहीं है, ये बुरी बात नहीं है, अच्छा चीज़ है कि हिंदी के नाम से और हिंदी के साथ जो भोजपुरी कदम से कदम मिला के चल रही है, तो इसको बहुत कुछ इसमें सोचा और कहा नहीं जा सकता, अच्छी बात है, होना चाहिए। जैसे साउथ की भी फिल्में आती है कुछ इसी टाइप की, हिंदी जैसा होता है अरबी भाषा के, जो क्योंकि टाइटल में दो शब्द में कितना अंतर रहेगा, अंतर भाषाओं में अंतर तब होता है जो दो शब्द को जोड़ने वाला शब्द जो होता है ना, जैसे दीवार जो है वो हिंदी भी है भोजपुरी भी है, दिल है वो हिंदी भी है भोजपुरी भी है, लेकिन बीच का जोड़ने वाला शब्द जो है ना वो भाषा पे आश्रित होता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी सब चल रहा है आजकल। एक मन में आया क्योंकि मीडिया वाले लोग की अक्सर शिकायत होती है कि आप संगीतकार होने के नाते कोई गाना नहीं गुनगुनाते हैं, तो मेरे मन में एक गाना आ रहा है, वो हिंदी ही गाना है, लेकिन अपना कंपोजिंग है, अपना शब्द है, अपना ये है, हो सके शायद ये फिल्म में डाला जाए। गाने का एक लाइन है, दिल मेरा खो गया है अब चैन खो रहा है, दिल